दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपना कहर ढा दिया। एजाज पटेल ने टीम इंडिया की पहली पारी के सभी 10 विकेट लिए और क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इस मैच में पहले दिन जहां उन्होंने 4 विकेट लिए तो वहीं दूसरे दिन टीम इंडिया के 6 विकेट लिए और ये सभी विकेट एजाज पटेल के खाते में गए। एजाज पटेल ने 110वें ओवर की 5वीं गेंद पर मोहम्मद सिराज का विकेट लेकर यह करिश्मा किया है। एजाज पटेल 10 विकेट लेते ही देखिए किस तरीके से खुशी से झूम उठे, आप देख सकते हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद देखिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने भी जो है खड़े होकर उनके 10 विकेट पर तालियां बजाई। इसके अलावा भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी देखिए खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाते हुए नजर आए और उन्होंने भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई। आपको बताते हैं एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज हैं। उनसे पहले टीम इंडिया के दिग्गज गेंदबाज अनिल कुंबले पाकिस्तान के खिलाफ एक कारनामा कर चुके हैं और कुंबले से पहले सबसे पहले इंग्लिश गेंदबाज जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक कारनामा कर दिया था। एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक इनिंग में 10 विकेट लेकर तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एजाज ने 47.5 ओवर की गेंदबाजी के दौरान 12 ओवर मेडन डालते हुए 119 रन देकर 10 विकेट चटकाए हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है एजाज पटेल की इस बॉलिंग पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन और फिर सेट कर लें।